अरे सब जे टीम नजर आ जानी थी खींच लो अपना। अरे सही चालू करा दे अभी जिला बैठ रहे तू ठहरे तू मेरे लिए चालू कराओ सेट को ऑपरेट करते हैं अपन। मैं अजमेर शरीफ में जो बड़े पीर की पहाड़ी है वहाँ पे मौजूद हूँ और दोस्तों यहाँ पे एक सबसे खतरनाक गुफा बताई जा रही है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति उस गुफा के अंदर घिर चुका है। जो उसके परिवार वाले उन्होंने अंदेशा लगाया है कि उसका जो सामान था जो उसके साथ में चप्पल वगैरह खाने पीने की चीज़ें वो गुफा के अंदर मुँह पर मिले गए, तो ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि वो व्यक्ति इसी गुफा के अंदर है। तो अभी उन्होंने जो प्रशासन है जो पुलिस थाना है वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई है और अभी यहाँ पर जो SDRF की जो टीम है जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। अभी हम भी अंदर जाएंगे और गुफा में आपको नज़ारा दिखाने, तो अभी आपको इसी वीडियो में पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। जो भी रेस्क्यू टीम जो रेस्क्यू करेगी वो आपको गुफा के अंदर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कल रात को 10 से 11 बजे तक यहाँ पे रेस्क्यू चला है लेकिन ज़्यादा नाइट होने के कारण उन्होंने मतलब वहाँ ही रोक दिया था, लेकिन अब सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में वापस रेस्क्यू करा जाएगा। तो अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर से आपको पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हो अजमेर शरीफ पर पूरा पीछे और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ऊपर जा करके एक गुफा है जो काफ़ी खतरनाक गुफा बताई जा रही है। इस गुफा का ये बताया जाता है जो नीचे सीसा खान की गुफा है उससे कनेक्ट है। तो अभी हम जाएंगे, जो व्यक्ति है वो इस गुफा के अंदर मिलता है या नहीं मिलता है रेस्क्यू टीम को वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। काम को अंजाम पहुंचाने यहाँ आगे बढ़ रही है और यहाँ पर जो प्रशासन है वो भी काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रही है। और अभी क्या होता है आगे सब देखेंगे, अभी हम तो देख सकते हैं आप चलने तो फिर पहाड़ी पर जहाँ चलना भी मुश्किल है इंसान का, वहाँ पर जो है रिक्शे टेम अपना इतना वजन लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रही है आपको। और अभी ये सर्च ऑपरेशन रात से यहाँ चल रहा है, रात को ग्यारह बजे तक यहाँ सर्च ऑपरेशन चला था और इसके बाद भी इस व्यक्ति का भी कोई पता नहीं है। अब दिन होने के बाद में वापस इस कार्रवाई को शुरू की गई है, देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और अभी आगे बढ़ रही है अपने मिशन पर। जहाँ पर चलने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि ये जो पहाड़ी का इलाका है यहाँ पर छोटी छोटी पोखरे की जो कंक्रीट होती है उस पर पैर रखते ही फिसलता है और इसके अंदर देखना आप कितना वजन लेकर अभी ये यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। आपको सारे साजो सामान के साथ में टॉर्च वगैरह रक्षा सभी यहाँ पर इंतजाम लेकर इसको रिक्शा टीम आगे बढ़ रही है। गुफा में काफ़ी अंधेरा होने के कारण यहाँ पर जो है टॉर्चों का और आप देख सकते हैं किस तरह का पूरा जो साजो सामान के साथ में यहाँ पर चढ़ा जा रहा है। यहाँ पर कुछ बूट वगैरह भी हैं बड़े बड़े जो कि अगर अंदर को पानी या कीचड़ या कुछ जानवर वगैरह उसके हिसाब से सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पर बड़े बड़े बूट लेकर भी चढ़ा जा रहा है। अभी जो भी मंजर होगा अंदर का दिखाएंगे आपको किस तरह का यहाँ पर रिक्शे टीम उतना जो है रात को रात से यहाँ पर काम कर रही है। आप देख सकते हैं कितना और रात से प्रशासन भी यहाँ मौके पर मौजूद है। जब से परिजन ने खबर करी वहाँ पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा और अभी कितना पोजिशन में है क्या है इसका कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि परिजनों के खबर यहाँ पर प्रशासन इसलिए हुए और रात से ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। देख सकते हैं आप ओ भैया सुनो दोस्त आप कहाँ जा रहे हो थोड़ा सिलेंडर की हेल्प करा दे सिलेंडर की तो हेल्प करा उसको यार वैसे बेल करने से कोई फायदा नहीं है। डेग अंदर है चलो आप उसकी सिलेंडर को ले चलो अरे गिरा देगा यार वो चलो चलो। ये एक गुफा है जो कि ठीक गौज पक्का चिल्ला यानी कि बड़े पे जो चिल्ला है उसके पास में बिल्कुल ये गुफा है और गुफा के अंदर उस व्यक्ति को ऐसा हुआ बताने की आशंका है। लोगों ने परिजनों ने जो शिकायत किया उन्होंने यही बताया और हमने मालूम कराया तो बता दे कुछ इनको खाप वगैरह आए थे खाप के अंदर वो व्यक्ति बता रहे हैं तो खाप की क्या तामील है अभी इस हिसाब से तो पता नहीं मगर परिजनों के कहने से यहाँ पर जो है प्रशासन अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ लगी हुई है उस व्यक्ति को ढूंढने में। फिर मेरा भेज सुनो एक माड़ा लीजिए ना
अरे सही चालू करा देगा अभी जिला बैठ रहे तू ठेरे तुम मेरे लिए चालू कराओ सेट को ऑपरेट करते हैं अपन ले रे दो मुंडे थे ना एक तो यो यो एक यो तो 8 लाख लो एक नोकल को तो रख लेना साथ उसको पता होगा हो गया है ना अंदर यहाँ का पता होना भी जरूरी है किधर क्या है लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी चार से वहाँ से ही चाहिए लो उसको भी दे दो इशारा ये ज्यादा तुम पूरा बच ऊपर वालों के लिए चलो गई ऐसा नहीं कि तुम इसके भरोसे अब करेगा ना वो डाल दिया ना चलो ठीक है दौड़ के ये लगा ले जाए हाँ एक बार ठीक है एक बार अंदर जाओगे जब बैठो पड़ोगे कतरों को ये चालू ऑफ होने का कोई स्विच हो इसका इसके कोई स्विच हो तो कान में लगा लगा लिया कान में तो आवाज ही नहीं देनारायण हाल भी पहली है जब तक मिले नहीं जब तक तो पहली है ये ऐसी रस्सी निकालोगे उधर निकालो ये तो खुशी की लेके मनाओ ना आपा भी याद रखेंगे भाई हम भी भोपाल में बैठे हैं इसका किनारा लेके समेटते तो उठेगा नहीं और राम सिंह अरे इन सामटी रसिन सामटी ना अरे ना रे तेरा मोबाइल नंबर तेरा मोबाइल नंबर नहीं नहीं मिली नहीं मिली अभी तो भाई पांच गुफा है अभी तो एक में उतरे ये कितने अंदर मिली थी कितने अंदर थी ये सबसे लास्ट यानी कड़ा का एंड था ना तो उसके बाद और भी रखते हैं कि अंदर जाके गुफा में क्या है वहाँ से लोग है केवल ये बोरी मिली है इसमें बोरी में ठीक है तो अभी आदमी और है अंदर अब तुम्हारे बीट हवाले साथी सब आ गए ये भी एक राज है जब तक कोई नहीं मिले बीट ही राज है तुम्हारा सुब्रह राम जी रास्ते थे सारे रास्ते सर्च कर लिए गए अच्छा यही सामान मिला है बाकी कुछ नहीं है
अभी हमारे साथी जवानों ने बहुत अच्छी तरह से सर्च किया है। काफी तो अंदर किसी तरह की दिक्कत है, मतलब ऑक्सीजन की कोई कमी वगैरह कुछ? क्या ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है अंदर? मिल ही नहीं रही है, नहीं मिल रही है वो, इसमें अंदर कोई भी नहीं है। तो आगे कुछ लोग बता रहे हैं कि आगे तरह तरह के रास्ते ये सर पूरे सर्च कर लिया, पूरा सर्च करके आ गया। केवल ये बोरी मिली आपको? केवल ये बोरी मिली एंड के अंदर, ये बोरी इसमें तीन चार गुफाएं, तीन चार गुफा के अंदर ठेठ अंदर तक जाके आ गया। और गुफा अंदर तो फिर वो ब्लॉक है ना, और ये गुफा किसी के द्वारा बनाई गई नहीं, प्रकृति के द्वारा बनी हुई है ऑटोमेटिक। क्या नाम क्या आपका? कौन सा? मैं मुनेश कुमार कांस्टेबल, अच्छा राजस्थान। तो कब से ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पे जो कर रहे हैं? चालू है, रात को भी आए थे, रात को नाइट होने के कारण इसको बंद कर दिया गया था, फिर सुबह आगे सर्च किया है। सारी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की है। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, रात से काफी लगे। कहाँ से आई है टीम आपकी? ये जयपुर से आई है सर। जयपुर से आई? कब आई थी टीम आपकी? शाम को आई थी सर, कल शाम को सर्च किया था। शाम को सर्च करने के बावजूद यहाँ पे काफी अंधेरा था, सिस्टम बना नहीं, फिर अधिकारियों के आदेश के अनुसार रेस्क्यू को बंद किया गया, रात में बंद कर दिया गया जी। सुबह कब से चालू की? सुबह सुबह वहाँ से चढ़ने में तो सुबह 7 बजे से आ गए थे, लेकिन यहाँ 10 बजे आने में 10 बजे से ऊपर 10 बज गए यहाँ पे आते आते और रेस्क्यू चालू की। अभी समय इस टाइम तक आपने जो है सर्च ऑपरेशन किया, कुछ भी नहीं मिला अंदर? कुछ भी नहीं मिला सर, सिर्फ बोरी मिली है। क्या मिला है बोरी में? ये चमगादड़ों का चुका है, चमगादड़ की बीट है और एक टिफिन है, उसी में पड़ता है। सर इसमें ऐसा हो सकता है कि अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई है, और अंदर ऑक्सीजन कमी कारण वो निकल गया है, पर है नहीं अंदर इसमें। मतलब अंदर जो परिजनों ने बताया कि भाई उनका व्यक्ति अंदर बसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं मिला अंदर? कुछ भी नहीं है अंदर। आप पूरा सर्च करके आ गए, मगर कोई केवल एक बोरी के अलावा कुछ नहीं मिला आपको यहाँ पर? अभी आगे की जो रणनीति है इसको लेकर आप तो सर्च करके आ गए, अब आगे की रणनीति किस तरह है? मतलब आगे क्या और कुछ है या क्या रहेगा? अंदर तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हम हमारे अधिकारियों से संपर्क करेंगे, अधिकारियों से संपर्क करके तब अधिकारी आदेश पालन करेंगे। मतलब अभी आखिरी फैसला नहीं है, अभी चल ही रहा है कार्यक्रम, यहाँ पर देखेंगे कि अभी आगे किस तरह के आदेश होते हैं, उस अनुसार डिक्लेयर करेंगे आप। अभी उच्च अधिकारी और भी आ रहे हैं यहाँ मौके पर? उच्च अधिकारी या नीचे हैं, उनसे संपर्क करेंगे। अच्छा, इनसे संपर्क करने के बाद निर्णय होगा किस तरह का है। आगे के नाम से प्रसिद्ध है, इसके अंदर बड़ा ही डिफिकल्टी और जान जोखिम में डाल करके और अपने जीवन को चुनौती देते हुए हमारे जो एसटीआरएफ मुख्यालय गाड़ोता जयपुर से जो टीम पधारी है, उसके निर्देशन में इनका सर्च ऑपरेशन चला है, जिसमें हमारे जवानों ने रस्से के सहारे से करीब 350 फीट नीचे गहराई में जाने के बाद में जवानों को कुछ तकलीफें महसूस हुई, उसको भी उन्होंने नजरअंदाज करके और नीचे जा करके एक बोरी के अंदर जो वो बीट लाने का जो काम करता था आदमी, उसका ये सामान बरामद हुआ। फिर भी और जो सामान है अगर कुछ मिलेगा तो और भी सर्च रेस्क्यू जारी रहेगा। सर जो शंकर है 50 वर्षीय, उसकी कोई बॉडी है कुछ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन अभी सर्चिंग और जारी है, अभी टीम के जवान अंदर है। सर अब आगे का क्या रहेगा? आप लोग अभी आगे के जो भी उच्च अधिकारी जो निर्देशन देंगे उनकी पालना की जाएगी। अभी तक यही मिला? नहीं मिला सर। सर कहाँ की टीम है? जयपुर गाड़ोता मुख्यालय ये कंपनी, मैं टीम कमांडर हेड कॉन्स्टेबल हरि प्रसाद। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि मान लो ये बोरी एक दिन दो ही है।
कोई चीज अंदर नहीं है, नहीं है। अब ये रेस्क्यू में पूरा ऑपरेशन हो चुका है, अब आप इसको समाप्त करेंगे तो श्रीमान अपने सीओ साहब बैठे हैं, उनसे परमिशन लेके जो एक बार पहले टीम के द्वारा सर्च कर लिया गया था। हाँ? उसके बाद में दोबारा परिजनों को बुला करके सिस्टम था सपने में दिखा था। हाँ? इसलिए इनके परिजनों को बुला के इनको दोबारा एसडीआरएफ की टीम द्वारा इनको साथ लेके सर्च किया गया है, जिसमें कुछ नहीं मिला है, हमें केवल एक बोरी और इसमें टिपन मिला है उसका। टिपन वैसे नहीं, टिपन केवल वो लेने के लिए, वो इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए है टूटा हुआ टिपन, वो इसको इकट्ठा करके डालने ये है। और इनके परिजन हैं जो पूर्ण रूप से संतुष्ट है, इसमें गुफा में अंदर नहीं है। और टिपन वो एक इकट्ठा करने के लिए टूटा हुआ टिपन है, न कि वो खाने का है। ठीक है, ये दोनों परिजनों को साथ लेके इनको पूर्ण संतुष्टि होगी। आप अंदर जाके आ गए, कुछ मिला क्या? नहीं मिला सर। ये है राजेंद्र जी, उनके भाई हैं। अच्छा, और ये है, ये इनका भाई है, मैं भी आई हूं। अच्छा, ये भाई जाके आ गए। अच्छा, अलग अलग जो रस्ते बता रहे थे ऐसा कुछ है अंदर? जैसे तुम बता रहे थे कुछ देर पहले के दो तीन रस्ते कट रहे हैं, तो तुम पूरे ठेठ तक होकर आ गए? बिल्कुल देख लिया ना, कुछ नहीं है अब तो? ऐसा नहीं है कि अंदर तुम्हारा कोई परिजन है? अंदर हो गया पक्का तुम्हारा? टीम ने कितना सपोर्ट करा आपका? बहुत सपोर्ट करा, पूरा देख लिया आपके जरिए? संतुष्ट हो इस बात से? भाऊजी का नाम आपका? सूरज। भाऊजी ये इनके भाई है, ये इनके भैया भाई जी लगता है वो जी हमारा। ठीक है, तो पूरी तरह संतुष्ट हो? क्या है अंदर? कुछ नहीं है अंदर, देख के आ गए पूरे में? टीम के साथ भी गए थे अंदर? अब तो नहीं लग रहा है क्या? बाकी कोई है अंदर परिजन तुम्हारा? वो नहीं है संतोष है, वो यानी को लेके आए वालों को। कौन लगता था अंदर जिसका बता रहे थे? ये भाई है। भाई का क्या नाम था उसका? शंकर। शंकर, शंकर तुम्हारा? तो संतुष्ट हो ना कार्रवाई से पूरी? संतोष है। कल से आप लगे थे के मतलब, तो क्या देखा आपने और पूरे में क्या रहा? देवेन भाई के साथ में लगे पड़ा, प्रशासन में लगे पड़े, हम लोग सब लगे पड़े, कुछ नहीं निकला है सब। तो रात को इनको रोकने करने का सब यहाँ मोहल्ले वालों ने, आपने ही इंतजाम करा था? तो अभी आप इनके सपोर्ट में होना क्या? इनके संतुष्ट हो चुके आप लोग भी? हो चुके होंगे। हम खुद ही देख के आए, खुद देख कर आए। मतलब जो लोग कह रहे थे कि इधर जा रही है गुफा, इधर गली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है? मतलब आगे ब्लॉक की है, सबको संतुष्टि हो गई है? ये पापा को बोल घटना हुई और क्या रहा इसमें? एक गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में ये सूचना मिली थी कि इस गुफा जो पंडित गुफा के नाम से है, इसमें जाना बताया, चप्पल खुली हुई थी, तो इसके लिए कल शाम से प्रयासरत थे। इस एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई और पूरी गुफा को जो करीब 150 फीट की है, ऊपर नीचे तीनों चारों दिशाओं में एक एक जगह इनके परिजनों के साथ अकेले पूरा सर्च करवाया गया। इसमें कोई आदमी होने या आदमी के अलामत नहीं मिले, नहीं किसी तरह की कोई वो मिली है। एक जो बोरी है वो ये चमगादड़ के भीट की बोरी मिली है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला, सारा सर्च कर लिया। सर कितने घंटे चला ये सर्च ऑपरेशन, कब तक? ये सुबह से ही चल रहा है करीब 9 बजे से, और अब तक चल रहा है करीब 3 घंटे। कल से कवरेज कर रहे हैं हम तो? हाँ, कल भी आपकी टीम थी यहाँ पर, लेकिन रात में 11 बजे तक अंदर नहीं। जी, रात को गई है जी। तो मॉर्निंग में 2 शिफ्टों कल शाम को और अब फिर मॉर्निंग में। अभी जो परिजन है जिन्होंने इत्तला दी थी कि इनका व्यक्ति अंदर है, तो उनका क्या कहना है अभी? उनको भी तसल्ली करा दी, उनके व्यक्ति को भी अंदर ले जाके पूरा सर्च करवा दिया, वो भी संतुष्ट है कि इस तरह कोई भी आदमी का होना इसमें नहीं पाया गया है, वो भी इस बात से संतुष्ट है। गुफा के अंदर कोई नहीं। कुछ यहाँ के लोग कह रहे थे कि गुफा यहाँ जा रही है, विदा जा रही है, ऐसा कुछ अंदर देखने को मिला कि गुफा कुछ ज्यादा गहरी है? क्या है? गहरी है करीब 150 फीट के अंदर गहरी है जी।
बाकी पूरा सर्च कर लिया, इसमें कहीं व्यक्ति नहीं मिला जिसकी गुमशुदा की आपको खबर दी गई थी। सर तो ऑपरेशन अभी बंद कर दिया, खत्म कर दिया, फिलहाल बंद कर दिया, अन्य उससे एक बार तलाश करते हैं, बाकी फिर कोई जरूरत पड़ेगी तो देखें।